मुसीबत पाल ली यार, इसकी बीवी भी आ गई, पर तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक बॉस बुलाता नहीं हमें। ऊपर से एसी भी खराब है गाड़ी की। अरे भाई खिड़की खुली है ना, पसीना नहीं आएगा। हम गुस्सा तो आ रहा है ना। रणवीर सिर्फ रात ही नहीं रखना चाहता था तो उसने मुझसे छूट के बोला। शनी दिख रहा है, रणवीर कहाँ है? अब माँ वो बस अभी ऑफिस के लिए निकल गया, वो ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम था इसलिए। अच्छा दीका, तूने आज का करवा चौथ का व्रत ठीक से निभाया ना? मेरा मतलब है सारी रस्में ठीक से की ना? व्रत तो ठीक से खोला ना? रणवीर ने ऑफिस में ठीक से टाइम दिया या नहीं? इशनी किस सोच में डूब गई डिकरा? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे। अच्छा तो मुझे नहीं बताएगी, इसका मतलब तू मुझे सिर्फ माँ बुलाती है, मानती नहीं? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बता क्या बात है? हाँ आज करवा चौथ है, तेरे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, उसकी बजाय माथे पे चिंता की लकीर है। हाँ क्या बात है बता ना। हाँ वो ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे आजकल रणवीर का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कि क्यों मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ जैसे कोई और आदमी रणवीर की शक्ल लेके मेरे सामने। हाँ पता नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं आई एम श्योर ये मेरे मन का वहम ही होगा। वो रणवीर ने दवाइयाँ चेंज करी है ना, तो शायद ही उसी का साइड इफेक्ट हो। बेचारे को खुद नहीं पता हो कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके मैं तेरे लिए खाना भिजवाती हूँ। नहीं माँ इट्स ओके, मैं जाके खुद ले लूंगी। आप चाहिए हो जाके आराम कीजिए, एंड प्लीज इसके बारे में ज्यादा सोचिएगा मत, मैं तो बस ऐसी। ओके क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? वो हमारा बीता हुआ कल, वो गुजरा हुआ वक्त, वो वापस आ गया। अम्बा अम्बा तू बैठ गया, बैठ। अम्बा मैंने कहा था ना तुझसे, इतना मत सोच, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लेकर आता, उसे पीकर तू सो जा, मैं भी आया। देख रही है वो बच्चा, वो अभी मुसीबत में, अभी यहीं से आवाज आई थी। क्या चले, इसने कोई बुरा सपना देख लिया है, मैं इसको ले जाके सुला देता हूँ। चल चल अब चल 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 मुसीबत में। अरे जल्दी चलाना यार, अबे इसे होश आने वाला है, बॉस ने 10 मिनट पहले फोन कर दिया होता तो अब तक पहुंच भी गए होते।
अभी क्या करें, इसे हम यहाँ बांध भी नहीं सकते और ये शोर मचाए बिना मानेगा नहीं। अरे जल्दी चलाना यार। अरे ये क्या किया तूने यार? अभी हम क्या करेंगे? अभी जा, वहां जाके माफी मांग ले, नहीं तो लेट हो जाएंगे। और देख, उसे बहस मत करना वरना अपनी वाट लग जाएगी। हाँ भाई जा। अबे अंधे हो तुम लोग? अंदर बेटा, क्या मूवी देख रहे क्या? बाहर आना। क्या किया तुमने गाड़ी का? सॉरी भाई, सॉरी, वो ब्रेक लूज हो गया था। भाई तेरी माफी से क्या मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी क्या? भाई सॉरी भाई, कहीं जाना है भाई, जल्दी जल्दी पहुंचना है। पहले नुकसान मार उसका, 20,000 रुपए दे, फिर जाना जाना। क्या इंजेक्शन दिया? ना आवाज निकल रही, ना हाथ पाँव हिल रहे, कैसे बुलाऊं देवर्स को? 20,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा? तुमसे मांग कौन रहा है? तेरे मालिक से मांग रहा हूँ। तुम क्या बुला क्या? चला क्या रे भाई, अंदर क्या बैठे हो? बाहर निकलना। ठीक, तेरे ड्राइवर ने क्या किया है? भाई साहब को मत बोलो, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं देता हूँ आपको पैसे, एक मिनट, मैं आपको पैसे देता हूँ, एक मिनट। ये लो भाई, भाई 15,000 है, आज ही सैलरी मिली थी, तुम ले लो भाई। प्लीज छोड़ दो, जाने दो भाई। कम है पर चला लूंगा। और सुन, बाकी 5,000 रुपए से अपनी आंखों का इलाज करा ले, वरना हर महीने भी सैलरी बांटना पड़ेगा। हाँ भाई। चल 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 जल्दी है। क्या बात है, बैठे बैठे कमाई होगी और गाड़ी रणवीर ठीक करा देगा। मेरा बच्चा, माँ, वो उसे कुछ हो गया? माँ, वो बुला रहा है मुझे। माँ, माँ मुझे बुला रहा है रणवीर को। ठीक है, कुछ हुआ है मैं जानती हूँ, मुझे उसके पास जाना है। माँ, अम्बा मैं कह रहा हूँ ना, ईशानी भी तो कह रही है, तू मान क्यों नहीं रहे? रणवीर बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे। नहीं नहीं, उसे कुछ हुआ है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। बाबा, मैं एक और बार रणवीर का फोन ट्राई करती हूँ, शायद अब लग जाए। हाँ बोलो। हेलो रणवीर। हाँ, वो माँ तुम्हारे लिए काफी परेशान थी, तुम कहाँ पर हो? मीटिंग में। रणवीर, तुम एक बार उनसे बात कर लोगे? उन्हें तुम्हारी काफी फिक्र हो रही है, बस एक मिनट के लिए बात कर लो। फोन दो उन्हें। रणवीर, 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 रणवीर दिख रहा? मैं मीटिंग से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। लेकिन बेटा, तू तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। अधिकरा, अपना ख्याल रखना। अधिकरा, आज जरा जल्दी आना और आते ही मुझसे एक बार मिल लेना। कहना, जब तक तुझे देखूंगी नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा। जल्दी आना। मैं ख्याल रखूंगा अपना। तू अपना ख्याल रख। अधिकरा, मैं रखती हूँ। देखा, ठीक है ना? मैंने कहा था ना रणवीर को कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, वो देखा ना आपने? और वो जैसे ही आएगा ना, मैं सीधा उसे आपके पास लेके आऊंगा। ओके, चलिए आराम कीजिए, आइए आराम से, आराम, कुछ नहीं हुआ, आराम से। बाबा, आप भी जाके आराम कर लीजिए, मैं माँ के साथ हूँ। नहीं बेटा, मैं भी रुकता हूँ। बाबा, मैंने कहा ना, मैं माँ के साथ हूँ, अब जाइए और आराम कर लीजिए। ठीक है। रणवीर, इतनी रात को मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अपुन ने झूठ बोला और इन पागलों को लगता है कि अपुन ऑफिस में काम कर रहा है और अपुन तो घर में ही चाहे।
इन्हें भी तो याद आया, याद आया, याद आया, इन्होंने क्या किया, क्या किया, किया। रणवीर, रणवीर, रणवीर उठो, रणवीर सुबह नहीं दोपहर हो गई, उठो, अरे उठो बाबा, ये क्या? ये सरप्राइज, वो कल रात को तुम काफी लेट हो गए थे आने में, तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं, अब उठने में काफी लेट हो गए हो, तो मैं ब्रेकफास्ट की जगह सीधा लंच ले आई। पारुल को देखने लड़के वाले आने वाले, लेकिन पहले पेट पूजा फिर काम दो जा। क्या बनाया? ये क्या? भिंडी। तुम्हारी फेवरेट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? भिंडी कभी किसी के फेवरेट हो सकती है? ये कोई खाने की चीज है क्या? पर रणवीर तुम्हें तो भिंडी भूखी मार दी, नहीं खाना मुझे कुछ भी, नहाने जा रहा हूँ मैं। रणवीर जाने से पहले एक बार माँ से मिलते हुए जाना, वो काफी परेशान थी तुम्हारे लिए। स्माइल कर, पॉजिटिव सोचे क्या तो अच्छा ही होगा। हमारी पारुल भी आ गई है। चलो बेटा आज ये है रमणीक भाई, ये है उनकी पत्नी मालती बहन, और ये है उनका बेटा भावेश। हेलो। नितेश, ये लड़का है? अरे मुझे तो लगा कि लड़का आने वाला है। इसी लड़के से रिश्ते की बात चल रही है, लेकिन ये तो नॉट सो यंग टाइप्स है। अरे ये समोसे तो लीजिए। कैसे है भावेश समोसे? बहुत अच्छी है। मतलब बहुत अच्छा है, अच्छा है। अरे हाँ हाँ, पारुल बहुत अच्छी लड़की है। हाँ हाँ, हमारी पारुल है ना, घर का सारा काम जानती है। हाँ हाँ हाँ, और बहुत फ्रेंडली भी है, सबको दोस्त बना के रखेगी वो। इसका मतलब है कि हमारी पारुल है ना, आपके घर को एकदम स्वर्ग बना देगी। हाँ। अब पारुल तो आप लोगों ने देख ही लिया, कुछ बातचीत करनी हो तो कर लीजिए। भावेश आओ, बैठ ना। भावेश आओ ना, तुम्हें बॉयफ्रेंड है आपका? नहीं है, अभी भी नहीं और पहले भी नहीं था। अच्छा, नहीं। मैंने सुना है कि आपकी शादी तय हुई थी और उसके बाद टूट गई। ऐसा क्या हो गया? आप में कोई कमी तो लग नहीं रही है, थोड़ा रंग दबा हुआ है, बट बाकी ऊपर से नीचे तक
बस बहुत हो गया। कि किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं आप इनसे? मैं तो सिर्फ जान पहचान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पारुल को कभी जान ही नहीं पाएंगे, मगर मैं आपको अच्छे से पहचान लूँ। आप जा सकते हैं। आप हमें मना कर रही हैं? अरे एहसान मानिए हमारा, क्या हम यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं? वरना एक लड़की जिसका शादी तय हुई है उसके बाद टूट गई, भगवान जाने उसमें क्या कमी होगी। उसकी शादी क्यों होती तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना जानते कि उसमें इतनी अच्छाई है कि उसके सामने तुम्हें अपनी कमियां नजर आने लगेंगी। मनस, अरे गुस्सा मत हो। अरे शादी वगैरह में तो लड़का लड़की एक दूसरे से सवाल जवाब करते ही हैं ना? इनके सवाल का बस यही जवाब है कि यहाँ से खुद जाएंगे या मैं सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाऊंगा। हाँ जा रहे हैं, हम यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आए। चलो बेटा चलो, इससे भी अच्छी लड़की मिलेगी अपने को। अरे हारे रमणीक भाई, अरे भावेश, अरे कितना पैसा है उन लोग के पास। देख लक्ष्मी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। अरे क्या गलत बोला उन लोगों ने। हाँ शादी टूटी थी, मतलब टूटी थी ना, तो भी तो वो लोग अपनी पारुल को देखने के लिए आए। अरे ये शादी हो जाती तो मेरी पारुल कितनी खुश रहती थी। देख लक्ष्मी, अगर ईशानी और मनस बीच में नहीं बोलते ना तो मैं अपना सब्र खो बैठती। अरे क्या सब्र खो बैठती बाह, अरे थोड़ा बहुत तो औरतों को सुनना पड़ता है कि नहीं? आप मेरी वजह से सबसे लड़ी है, मैं मुझे शादी नहीं करनी। पारुल, मोटी बहन इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं बोले। अरे मुझे तो लगा था मोटी बहन कम से कम आप तो समझोगे कि मैं अपनी पारुल की शादी क्यों कराना चाहती हूँ, लेकिन आप भी। तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं पारुल को लेकर गलत सलाह नहीं दे सकती, समझी? हलवा। दूधी का हलवा किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। नाराज है ना मुझसे? मैं पारुल की शादी उस अंकल से करवाने में उसका साथ जो नहीं दे रही हूँ। ओह, तो मतलब पटाया जा रहा है मासी को, यही समझ लो। लेकिन रणवीर को भी बहुत पसंद है दूधी का हलवा, बचपन में हर दूसरे दिन बनवाता था मुझसे। अब आपका मन शांत हो गया ना रणवीर को ठीक ठाक देख के? देखा कहाँ है अभी तक, इतना बिजी जो हो गया है। अरे लोग शादी के बाद घर गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं और ये है कि इसे काम से फुर्सत ही नहीं। ऐसा नहीं है माम, आप जानते हो ना रणवीर को, चाहे उसे जितना भी काम हो उसके पास अपनी फैमिली के लिए हमेशा टाइम होता है। अब माला, जो रणवीर अपने कमरे में होगा उसे बोल दो कि शानी से किचन में बुला रही हूँ। रणवीर भैया तो कब के चले गए? कहाँ था ना मैंने? अब एक माँ से ज्यादा अपने बेटे को कौन जान सकता है? अब ठीक कह रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया काम में। मैं बस अभी है। प्यार करता था, पहले उनकी एक आवाज पे जहां भी होता था उसी वक्त घर पे आ जाता था, और कल जब मैंने उसे खुद बताया कि वो उसके लिए कितना परेशान है, वो फिर भी उनसे नहीं मिला। क्या हो गया रणवीर को?
और वो भिंडी भिंडी तो उसे कितनी अच्छी लगती है, पर कैसे वो इसे बोले जा रहा था? और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? भिंडी कभी किसी के फेवरेट हो सकती है? ये कोई खाने की चीज है क्या? ऐसी भिंडी तो मैंने इतने सालों में नहीं खाई। बस मन कर रहा है कि जिसने भिंडी बनाई हो ना, कसम से उसका हाथ छू लूं। मैंने आज तक रणवीर को झूठ बोलते हुए नहीं देखा, पर आजकल वो हर बात पे झूठ बोल रहा है। खुद उसने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे, और मैंने उसे ऑफिस के बाहर वड़ा पाव खाते हुए देख लिया। क्यों कर रहा है सब? और पारुल, पारुल उसकी बहन है, कितनी केयर करता है वो उसकी। पर आज जब लड़के वाले आए घर में तो वो उन्हें देखने भी नहीं आए। वो जानना ही नहीं चाहता कि कौन वो लड़का है जो पारुल से शादी करना चाहता। क्या हो गया? पहले तो बार बार घर पे आने के बहाने ढूंढता रहता था, आजकल घर से बाहर रहने के बहाने ढूंढ रहा है। क्या हो गया रणवीर को? मेरा रणवीर ही है ना।